subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी मारुति सुजुकी बलेनो के ऊपर है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसके लुक से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फ्रंट में मस्कुलर लुक दिया गया है जो इसे काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है। इसके फ्रंट में वी शेप रेटर ग्रिल दिया गया है जिसमें आपको लार्ज गैप देखने को मिलेगा और इसमें रेटर में क्रोम फिनिशिंग दी गई है। इसके हेडलैम्प की बात करें तो इसमें BX1 प्रोजेक्टर टाइप हेडलैम्प दिया गया है और LED DRLS दिया गया है। ये DRLS आपको डे और नाइट हर टाइम ऑन मिलेगा। इसके रेटर ग्रिल क्रोम स्ट्रिप को हेडलैम्प तक एक्सटेंड किया गया है। इसका फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है। इसके बैक साइड से देखें तो यहाँ पर आपको इसके टेल लैम्प को ब्लेज टाइप दिया गया है और इसमें काफ़ी चौड़ा बड़ा क्रोम स्ट्रिप दिया गया है जिसमें आपको सेंटर में इसमें कैमरा दिखेगा जिसकी फुटेज आपको फ्रंट में 7 इंच स्क्रीन दी गई है उसमें दिखेगा। और यहाँ पर इसके डिफोगर और वाइपर दिए गए हैं जो इसको काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है। अब आते हैं इसके साइड लुक की तरफ। इसके साइड को लिक्विड फ्लो डिज़ाइन दिया गया है, मतलब कि इसके साइड में कर्व टाइप डिज़ाइन दिया गया है लेकिन इसमें साफ लाइन नहीं दिए गए हैं। अगर आप इसके एक्सटीरियर डोर हैंडल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्रोम फिनिशिंग दी गई है इसमें। इसके आउटसाइड डेयर व्यू मिरर की बात करें तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर में मिलेगा। इसमें आपको टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं। ये थी इसकी एक्सटीरियर लुक। अब आते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो यहाँ पर इसको सिंगल टोन डिज़ाइन डैशबोर्ड दिया गया है जिसमें आपको इसमें AC इंटरटेनमेंट सिस्टम के आउटलाइन में सिल्वर स्ट्रिप दिखेगा। इसके डैशबोर्ड के सेंटर में क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम दिया गया है जो वी शेप में है। इसमें आपको एक राउंड शेप में डिस्प्ले दिया गया है जो आपको क्लाइमेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दिखाएगा। यहाँ पर आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब दिया गया है। इसके स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल बटन दिए गए हैं जो काफ़ी बड़े साइज में है। यहाँ पर आप इसमें इजीली इनको कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील में पुल टाइप टेलीफोनी कंट्रोल दिए गए हैं। आपको ये सभी कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील में दिए गए हैं जिन्हें आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट में आपको टैकोमीटर, मिडिल में 4.2 कलर का TFT मिड और राइट में स्पीडोमीटर दिखेगा। MID में आपको रियल टाइम एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू MT काउंटर, टेम्परेचर और टाइम की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दिखेगी। इसके साथ साथ ये आपको पावर और टॉर्क की डाटा भी इसमें शो करेगा जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जिसके फोर्थ डिस्प्ले में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड डिस्टेंस टू MT, सेकेंड में फ्यूल इकोनॉमी, थर्ड में एवरेज स्पीड की डाटा शो कर रहा है। इसके राइट साइड में स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको इसके डैशबोर्ड में 7 इंच का डिस्प्ले स्क्रीन दिया गया है और AUX, USB, SD कार्ड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दे रखा है इसमें। फ्रंट में आपको 12 वोल्ट पावर आउटपुट, USB और AUX पोर्ट दिया रखा है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट पावर आउटलेट रियर में भी दे रखा है जिससे आप अपना स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं, लेकिन रियर में आपको एयर कंडीशन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। वन टच अप एंड एंटी पिंच फंक्शनैलिटी यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड में दिया गया है। इसमें आपको ट्विन रीडिंग लैम्प मिलेगा जो कि फ्रंट रूप में लगी हुई है। यहाँ पर एयरबैग ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में दिया गया है। इसके फ्रंट में आपको 2 सनविजर भी मिलेगा जिसमें मिरर लगा हुआ है। इसके फ्रंट सीट की बात करें तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है जिसमें आपको सीट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है जिससे आप फ्रंट सीट की हाइट को अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये थी फ्रंट सीट। अगर इसके रियर सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्लैट बेंच टाइप सीट दी गई है और आप इस सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं जिससे आप इसमें ज़्यादा स्टफ या सामान लेके जा सकते हैं। इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर की दी गई है। बलेनो 7 कलर में आती है जो कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। बलेनो में आपको दो टाइप की व्हीकल मिलेंगी। फर्स्ट है 1240cc जिसमें आपको 4 ब्रांड का ऑप्शन दिया गया है जिनकी एक्स-शोरूम प्राइसेस आप इन टेबल में देख सकते हैं। सेकेंड है 1197cc जिसमें आपको 7 ऑप्शन मिलेंगे जिसके एक्स-शोरूम प्राइसेस आप इन टेबल में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 998cc में केवल आपको RS 1.0 का ही ऑप्शन मिलेगा। तो पहले बात करते हैं इसके इंजन की। तो RS जीटा 1.280 डेल्टा में आपको VVT यानी कि वेरिएबल वाल्व टाइमिंग टाइप इंजन मिलेगा। वहीं अल्फा 1.3 में DDIS 200 मतलब कि डायरेक्ट डीजल इंजेक्शन सिस्टम टाइप का इंजन मिल रहा है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको RS में 998cc जिसमें आपको 21.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। अल्फा 1.3 में 1248cc जिसमें 27.39 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। जीटा 1.280 डेल्टा 1.2 में
1197 cc, जिसमें 21.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। यहाँ पर आपको केवल RS 1.0 और अल्फा 1.3 में टर्बोचार्जर मिलेगा। आपको सभी फोर ब्रांड में फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन मिलेगा। जीटा 1.2 AT को छोड़ के सभी ब्रांड में आपको 5 गियर दिए गए हैं। यहाँ पर अल्फा, जीटा, डेल्टा में 4 इनलाइन सिलेंडर दिए गए हैं, जबकि RS में केवल 3 सिलेंडर दिए गए हैं। RS में आपको 101 BHP एट 5500 RPM का, अल्फा में 74 BHP एट 4000 RPM और जीटा डेल्टा में 83 BHP एट 6000 RPM का मैक्सिमम पावर मिलेगा। यहाँ पर RS में 150 NM एट 1700 RPM, अल्फा में 190 NM एट 2000 RPM, जीटा डेल्टा में 115 NM एट 4000 RPM का मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ये थी इंजन और ट्रांसमिशन की स्पेसिफिकेशन। अब आता है इसके सस्पेंशन की तरफ। आपको यहाँ पर फ्रंट में मैकपर्सन स्ट्रट और रियर में टर्जन बीम सस्पेंशन मिलेगा। ब्रेक में आपको सभी फोर ब्रांड में फ्रंट में डिस्क और RS को छोड़कर तीनों ब्रांड में ड्रम ब्रेक मिलेगा, जबकि RS के रियर में भी डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। सभी फोर ब्रांड का टर्निंग रेडियस 4.9 मीटर है। इन सभी फोर ब्रांड में आपको पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक टाइप स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की तरफ। यहाँ पर आपको बलेनो के सभी ब्रांड में सेम डायमेंशन मिलेगी, चाहे वो 1248 cc वाली कार हो या 1197 cc वाली कार हो। लेकिन थोड़ा सा अंतर आपको यहाँ पर RS ब्रांड की हाइट में दिखेगा। सभी ब्रांड की लेंथ है 3995, विड्थ है 1745, हाइट है 1510 mm RS में, जबकि बाकी में 1500 mm का आपको हाइट मिलेगी। सभी ब्रांड में आपको व्हील बेस मिलेगा 2520 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। ये थी इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं इन फोर ब्रांड की फीचर्स के बारे में। वन टच डाउन एंड अप आपको यहाँ ड्राइवर की तरफ सभी फोर ब्रांड में मिलेगा। इसका आउटसाइड रियर व्यू मिरर बॉडी कलर में है, जो आपको सभी फोर ब्रांड में दिया गया है। 10 इंडिकेटर ऑन ORVM, रियर डिफ्रोगर एंड रियर वाइपर आपको यहाँ पर सभी फोर ब्रांड में मिलेगा। एक्सटीरियर डोर हैंडल में आपको क्रोम केबल RS, अल्फा और जीटा में दिया गया है। इंटीरियर में आपको सभी ब्रांड में क्रोम डोर हैंडल मिलेगा। बूट लेट ओपनर आपको यहाँ पर सभी ब्रांड में इंटरनली दिया गया है। एक्सटीरियर की तरफ देखें तो रूफ माउंटेड एंटीना एंड बॉडी कलर्ड बम्पर आपको यहाँ सभी ब्रांड में मिलेगा। लाइट्स की बात करें तो RS, अल्फा के हेडलाइट में आपको प्रोजेक्टर टाइप दिए गए हैं, जबकि जीटा एंड डेल्टा में कन्वेंशनल टाइप मिलेगा। डे टाइम रनिंग लाइट या DRLS आपको केवल RS और अल्फा में मिलेगा। फॉग लैम्प आपको RS, अल्फा, जीटा के फ्रंट में मिलेगा। सभी फोर ब्रांड में LED टेल लाइट दिया गया है। केबिन लैम्प की बात करूँ तो केबिन लैम्प आपको यहाँ पर फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ दिए गए हैं। आप सभी फोर ब्रांड की हेडलाइट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको RS, अल्फा और जीटा के ग्लव बॉक्स में लैम्प दिया गया है। यहाँ पर आपको RS, अल्फा के वैनिटी मिरर में लाइट मिलेगा। इंजन इमोबिलाइजर सभी फोर ब्रांड में मिलेगा। स्पीड सेंसर, डोर लॉक एंड चाइल्ड सेफ्टी लॉक यहाँ पर आपको सभी फोर ब्रांड में मिलेगा। इसमें आपको 2 एयरबैग मिलेगा, जो ड्राइवर और को ड्राइवर में दिया गया है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट एंड सीट बेल्ट वार्निंग सभी फोर ब्रांड में मिलेगा। स्टोरेज की बात करूँ तो सभी फोर ब्रांड के फ्रंट और रियर में कप होल्डर दिया गया है। यहाँ पर आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS एंड EBD सभी फोर ब्रांड में दिया गया है। इसमें आपको इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जिसमें आपको 2 DIN हेड यूनिट का साइज है। RS में TFT डिस्प्ले है और अल्फा में आपको टच स्क्रीन दिया गया है। यहाँ पर आपको GPS नेविगेशन सिस्टम केवल RS और अल्फा में दिया गया है। 4 स्पीकर, USB कंपैटिबिलिटी, AUX कंपैटिबिलिटी सभी फोर ब्रांड में मिलेगा। फोन एंड ऑडियो दोनों ही ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी हैं, जो आपको सभी फोर ब्रांड में मिलेगा। MP3 प्लेबैक, CD DVD, AM FM सभी फोर ब्रांड में मिलेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी आपको यहाँ पर इन सभी फोर ब्रांड में मिलेगा। सभी चारों ब्रांड में आपको यहाँ पर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 2 ट्रिप मीटर, डिजिटल क्लॉक सभी में मिलेगा। एवरेज फ्यूल कंजप्शन एंड एवरेज स्पीड आपको यहाँ पर RS, अल्फा और जीटा में मिलेगा। लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर एजर वार्निंग, गियर इंडिकेटर, डायनामिक शिफ्ट इंडिकेटर एंड एनालॉग टैकोमीटर सभी फोर ब्रांड में मिलेगा, जबकि एडजस्टेबल क्लस्टर RS और अल्फा में दिया गया है। सभी फोर ब्रांड में फैब्रिक सीट दिया गया है। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट RS, अल्फा, जीटा में मैनुअल विद हाइट एडजस्टमेंट के साथ दिया गया है, जबकि डेल्टा में ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मैनुअल मिल रहा है। आपको सभी ब्रांड में मैनुअल फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट, बेंच टाइप रियर पैसेंजर सीट, सिंगल टोन इंटीरियर, फुल फोल्डिंग रियर सीट मिल रहा है। केवल ड्राइवर आर्मरेस्ट RS, अल्फा और जीटा में मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल,
और दो 12 वोल्ट पावर आउटलेट जो कि फ्रंट और रियर दोनों तरफ मिलेगा। ये आपको सभी 4 ब्रांड में मिलेगा। RS अल्फा और जीटा में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दिया गया है, जबकि डेल्टा में केवल आपको टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिलेगा। हीटर, पार्किंग सेंसर, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक एंड ग्लेरी मिरर, को ड्राइवर में वारंटी मिरर, ऑन सन विजर, सभी 4 ब्रांड में मिलेगा। यहाँ पर केवल RS और अल्फा में रिवर्स कैमरा, पार्किंग असिस्ट दिया गया है। कीलेस स्टार्ट बटन RS अल्फा और जीटा में दिया गया है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।